भोजपुरी एक्टर और नेता रवि किशन इन दिनों सांसद में ड्रग्स को दिए बयान की वजह से चर्चा में बने हुए हैं। रवि किशन गोरखपुर से बीजेपी सांसद हैं। रवि किशन का ड्रग्स पर बयान सामने आने के बाद बॉलीवुड दो धड़ों में बट गया है। कईयों ने रवि किशन की आलोचना भी की है। चलिए जानते हैं रवि किशन के बारे में। रवि किशन कई सालों से एक्टिंग में सक्रिय हैं। वे हिंदी, भोजपुरी, तेलुगु, कन्नड़, तमिल सिनेमा में काम कर चुके हैं। रवि किशन ने टीवी पर भी काम किया है। वे बिग बॉस के पहले सीजन में नज़र आए थे और सेकेंड रनर अप रहे थे। रवि ने बतौर कंटेस्टेंट झलक दिखला जा 5 में पार्टिसिपेट किया था। जी हाँ, रियलिटी शोज़ के अलावा रवि किशन सीरियल जय हनुमान, जिंदगी मिल के बताएंगे, विष्णु पुराण, हर मोड़ पर, हवाएं, अग्नि फेरा जैसे शोज कर चुके हैं। रवि किशन वेब सीरीज रंगबाज में भी अहम रोल में दिखे हैं। रवि राजनीति में एंट्री करने के बाद भी फिल्मों में सक्रिय हैं। जी हाँ, उनके कई सारे प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि रवि किशन को बिग बॉस से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली। भोजपुरी इंडस्ट्री को सफल मुकाम तक पहुंचाने में रवि किशन का अहम योगदान रहा है। वे मशहूर डायरेक्टर श्याम बेनेगल और मनी रत्नम संग काम कर चुके हैं। जी हाँ, रवि किशन ने कई सारे रियलिटी शोज़ को होस्ट किया है और जज भी किया है। रवि की राजनीतिक करियर की बात की जाए तो उन्होंने 2014 में कांग्रेस ज्वाइन की थी। जी हाँ, साल 2017 में रवि किशन ने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। 2019 के जनरल इलेक्शन में रवि किशन ने गोरखपुर सीट से चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। जी हाँ, रवि किशन की निजी ज़िंदगी की बात करें तो वो शादीशुदा हैं और उनके 4 बच्चे हैं। रवि किशन के पिता जौनपुर ज़िले के बिसून गाँव में रहते हैं। रवि सोशल मीडिया पर हमेशा ही अपनी तस्वीरें शेयर करते रहते हैं। जी हाँ, और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ नेक्स्ट टाइम भोजपुरिया से। सुरभि की रिपोर्ट।